आरएस यूनानी फार्मेसी। गुर्दे पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 2 जनवरी की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। खानकाबा मक्का मुकर्रमा मस्जिदुल हराम में पहली बार बर्फबारी, बगैर किसी तहकीक के सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई वीडियोस। सऊदी हुकाम ने जारी की वजाहत, खानकाबा में बर्फबारी की वीडियोस को बताया फेक। वहीं मक्का रीजन समेत मुमलिकत के कई इलाकों में जुमा तक बारिश की पेशकयासी। फ़लस्तीन पर कब्ज़े से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के क़रारदाद को नस्ल परस्त इसराइली हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कर दिया मुस्तरद। कहा, जहां जनरल असम्बली के इसराइल के खिलाफ क़रारदादें आ चुकी है, एक और सही, फ़लस्तीन हम यहूदियों का है। साथ ही नेतन्याहू ने यरूशलम को भी इसराइली दारुल हुकूमत बनाने के मौकूफ़ का किया इयादा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जुमा को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत, पीएम मोदी के आलमी नज़रिए की पैरवी की। यूक्रेन की जंग के सिफारती हल की अहमियत पर दिया जोर, शी जिनपिंग ने कहा, मसले को हल करने का वाहिद रास्ता बातचीत। उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर रिहाइश बजीर के इल्ज़ाम में तकरीबन 4000 मुस्लिम खानदानों को बेदखली का नोटिस। हुकाम ने कहा, कब्जा की गई ज़मीन से हटाई जाएंगी तजावीज़ात, कई खानदान अदालती हुक्म के खिलाफ कर रहे एहतजाज। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तेलुगु देशम पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में एक बार फिर मची भगदड़। अवामी रैली में भगदड़ से अब 3 अफराद हलाक, कई दीगर जख्मी। कपड़ों और तहाइफ की तकसीम के दौरान पेश आया यह वाकया, मुतासरीन की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे नायडू। आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना पर बीजेपी की नज़रें। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल कैबिनेट में रिशफल के दौरान तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय को कैबिनेट में शामिल करने का मंसूबा। वहीं एमएलए एटेला राजेंद्र को रियासती सदर का अहदा दिए जाने के इम्कानात की खबरें। तेलंगाना राजभवन और प्रगति भवन में दूरियां अब भी बरकरार। सदर जमहूरिया मुर्मू के सरमाई तातिलात के लिए हैदराबाद में क़याम के दौरान भी कशीदगी का माहौल। सीएम केसीआर ने सदर के इस्तकबाल के अलावा किसी प्रोग्राम में नहीं की शिरकत। सदर जमहूरिया को विदा करने पर भी वो नहीं पहुंचे हैं एयरपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर के अहदे के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी के नाम की तजवीज़ का साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने किया खैर मकदम। कहा, वजारत उज़्मा के लिए राहुल अहल, मुल्क में राहुल गांधी बीजेपी के वाहिद मुतबादिल लीडर हो सकते हैं साबित। तेलंगाना में आइंदा असेंबली इंतखाबात से पहले पुराने शहर हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की तवज्जो। पार्टी ने चारमीनार असेंबली हलके के मूसा बौली चौराहे पर पार्टी दफ्तर का किया इफ्तिताह। कांग्रेस लीडरान ने कहा, पुराने शहर के हर बल्दी वार्ड में आइंदा चंद हफ्तों में पार्टी दफ्तर किए जाएंगे कायम। हैदराबाद में नए साल के जश्न के दौरान हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई थी खसूसी मुहिम। 31 दिसंबर की शब शहर के 5 जोन्स में हालत नशे में गाड़ी चलाते पकड़े गए 5,819 अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस कर दिए गए मंसूख। ये थी अब तक की 10 अहम खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।